हेलो एवरीवन वेलकम करती हूँ प्रीतो की जी रेसिपीज में तो आज है कन्या भोज तो आज है नवमी का दिन और मैं बस कन्या के लिए एक थाली बनाऊंगी जो मात्र तीस से चालीस मिनट में बनके तैयार होगा और आज मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाऊंगी जैसे कि सूखे चने आलू की सब्जी सूजी का हलवा और पूड़ी साथ में तो बस यहाँ पे पहले काले चने बनाने के लिए हमने एक मिक्सर जार लिया है इसमें हमने चने डाल दिए हैं अब इसमें हम डालेंगे थोड़े थोड़े मसाले जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच रेड चिली पाउडर आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे और इसको हम मिक्स करके पीस लेंगे इससे जो हमारे काले चने बनेंगे ना बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और बहुत ही गाढ़े गाढ़े बनेंगे और साथ में सूखा तो रहेगा ही तो बस इसको मैं मिक्सर जार में पीस लेती हूँ तो ये देखिए इसको मसाले की तरह पीस लेना है और एक बार इस तरीके से बनाकर देखना बहुत ही गजब का बनता है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है मतलब जितना बनाई थी ना कम पड़ गया था अब यहाँ पे हमने कुकर में तेल डाल दिया है तेल ज़्यादा हमने डाला नहीं है थोड़ा सा ही डाला है तो अब उसके बाद मैं फटाफट से बना लेती हूँ तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच जीरा डालूँगी तेल गर्म हो जाने के बाद और थोड़ा सा हमने दालचीनी डाल दिया है मसाले में वैसे दालचीनी पीस सकते हो मैं भूल गई थी और उसके बाद मसाले को डाल के तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे यानी कि भून लेंगे और ये जो तरीका है ना मैं कई बार बना चुकी हूँ बहुत ही गजब का बनता है और साथ में छटपट बन के तैयार हो जाता है मैं चने पहले से उबालती नहीं हूँ मैं कच्चे चने का ही डायरेक्ट बना देती हूँ बहुत गजब का बनता है अब इसमें हम डाल देंगे नमक और उसके बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी पानी थोड़ा सा मतलब पानी डाल के और मसाले को थोड़ा सा भून लूँगी और इसके बाद ये जो चने हमने भिगा रखे थे ना चने को डाल दूँगी तो बहुत लोग बॉयल करके बनाते हैं मैं कच्चे चने का हमेशा बनाती हूँ बहुत ही अच्छा बनता है एक बार जरूर ट्राई करना और उसके बाद इसको हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी डाल देना है और उसके बाद पाँच से छः सीटी में ये काले वाले चने पक जाएंगे तो हमने पानी उतना ही डाला है ताकि ये सूखा सूखा चना बने गीला ना बने और उसके बाद ढक्कन लगा ढक्कन लगाने के बाद मैं इसको धीमी आंच पे कम से कम पाँच से छः सीटी आने तक कुक कर लूँगी धीमी आंच पे पकाएंगे तो बहुत जल्दी से मतलब बहुत अच्छे से पक जाएगा और यहाँ पे मैं पूड़ी चढ़ाने के लिए माता रानी को हलवा और पूड़ी चढ़ाने के लिए हमने घी में पूड़ी पहले बना लिया है क्योंकि इसी कढ़ाई में हम बनाएँगे हलवा सूजी का तो पूड़ी हमने बना के निकाल लिया है अब यहाँ पे हलवा बनाने के लिए हमने लिया है सूजी तो सूजी यहाँ पे मतलब पंद्रह से बीस लोगों के लिए दस से पंद्रह के लिए हमने यहाँ पे डेढ़ कप सूजी डाल दिया है और घी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है क्योंकि घी जो है बहुत अच्छा बनता है तो यहाँ पे उसको पहले भून लेना है सूजी को जितना बढ़िया से भूनेंगे ना उतनी बढ़िया आपके हलवा बनकर तैयार होगी तो इसको आप कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को अच्छे से भून लेना है इस तरह से और जब भू सॉरी जब सूजी एकदम ना ब्राउन हो जाए तब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी तो मैं सूजी हमेशा इसी तरह बनाती हूँ बहुत अच्छा बनता है और कन्याओं को बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है सूजी जो है ना पानी ज़्यादा सोखता है तो इसलिए मैंने पानी की क्वान्टिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर दी है अब यहाँ पर हमने डेढ़ कप सूजी में एक कप डालेंगे चीनी तो बहुत ही परफेक्ट नाप था मीठे का आप इससे ज़्यादा ना डालें नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा और हमने यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया है अब थोड़ा सा केसर डाल देंगे केसर से कलर बहुत बढ़िया आता है और जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है तो यहाँ पर हमने डाल दिया है और जब तक हमारा हलवा पकेगा तब तक यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लिए थे जैसे कि किशमिश और थोड़ी सी हमने यहाँ पे बादाम कूट लिया था जब अच्छे से हलवा सूख गया तो हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और इधर हमारा जो माता रानी को चढ़ाने के लिए हलवा पूड़ी बनता है ना वो हमने बना लिया है तो सबसे पहले मैं भोग लगा दूंगी उसके बाद मैं जो है बनाऊँगी मतलब अभी आधा खाना मेरा रह गया है ना तो वो बनाऊँगी इधर मैं हवन पूजन सब करके आ गई हूँ अब मैं बनाऊँगी फटाफट से आलू की सब्ज़ी तो हमने जो है दो चम्मच तेल लिया है हमने जीरे का तड़का लगाया है दो हरी मिर्च काट के डाल दिया है और अदरक डाल देंगे तो ये जो आलू की सब्जी है ना ज़्यादा मसाला नहीं डलता है फटाफट से पाँच मिनट में बन के तैयार हो जाता है और हमने यहाँ पर तीन साइज के टमाटर हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और उसके बाद नमक डाल दिए हैं रेड चिली पाउडर भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर बस ज़्यादा कुछ नहीं डालता है क्योंकि कन्या भोजन के लिए बना रहे हैं ना तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती यहाँ पे मैं हरी धनिया डाल दूँगी और उसके बाद टमाटर को थोड़ा सा भून लूँगी तो फटाफट से जो है वैसे आलू को हमने उबाल लिया था अगर कच्चे आलू का भी बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी से बन जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी था ना तो इसलिए मैंने आलू को पहले से बॉयल कर लिया था तो बस यहाँ पर जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो मैं आलू को तोड़ के डाल दूँगी तो फटाफट से मैं जो है इसी तरह से आलू की सब्जी बनाती हूँ आप लोग इसको आलू का झोल बोलते हो ना मुझे आलू की फलाहारी सब्जी लगती है तो यहाँ पे हमने डाल दिया है और उसके बाद इसको मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे पानी तो कन्या आ चुकी है ना, तो मैं थोड़ा सा और जल्दी में हूँ और कहते हैं ना कि जल्दी का जो खाना होता है ना बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो देखिए हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि आलू को हमने बॉयल किया है तो बस यहाँ पर एक सीटी लगा देंगे फटाफट से तैयार हो जाएगा आलू की सब्ज़ी और इधर हमने जो है रख दिया है आ, क्या बोलते हैं एक साइड हमने रख दिया है जब तक एक सीटी आए आएगी आलू पक जाएगा तब तक मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना लेती हूँ क्योंकि तो, जो है कन्या आके बैठी हुई है ना तो थोड़ा सा जल्दी है आती हैं तो इंतज़ार नहीं कर पाती हैं और इधर हमने ना, नारियल भी तोड़ लिया प्रसाद जो बांटना होता है और इधर मैं पूरी गर्मा गर्म तल लूँगी तो हमारा चने की सब्ज़ी साथ में जो है आलू की सब्जी एक तरफ बन रही है हलवा हमने पहले ही बना लिया था और इधर मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ तो मैं अकेले बहुत आराम से जो है बना लेती हूँ जो है टाइम नहीं लगता है बस सामान रेडी रहता है ना तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है तो ये देखिए हमारा चना आलू पूड़ी हलवा बनके तैयार हो गया है अब मैं कन्याओं के लिए लगा देती हूँ थाली तो ये नौ दिन का व्रत है तो यही खिलाएंगे कन्याओं को तो अभी पूजन की मतलब कर रहे हैं पैर धुल रहे हैं तो बस मैं यहाँ पर टीका कर दे रही हूँ जल्दी जल्दी जो है इन लोग को भोजन कराना है और अभी साढ़े आठ बज रहे हैं सुबह के साढ़े नौ बजे तक ख़त्म करना है क्योंकि उसके बाद दसवीं लग जाएगा तो आज का मेरा ये आ, मतलब नौमी ब्लॉग आप लोग को कैसे लगा ज़रूर बताना और आप लोगों को मेरी तरफ़ से हैप्पी नवरात्रि नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ हो बस कन्या की हो गई विदाई मिलती है नेक्स्ट रेसिपी में बाय